वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में देखना है हमने कि आपने जो है सब पेजेस को ऐड कैसे करना है ऑन योर विक्स वेबसाइट। ओके, तो चलते हैं जी पेजेस के ऊपर। पेजेस के ऊपर जाने के बाद ये आपको ये ऑप्शन दे रहा है जी, सब मेन्यू टाइटल्स। ओके, तो मैं कहता हूँ जी ये हमारे पास है जी सर्विसेज। ओके, अब सर्विसेज जैसे ही मैंने लिखा तो ये सर्विसेज आ गया। मैं कहता हूँ जी होम, अबाउट और सर्विसेज यहाँ पे है, और सर्विसेज के अंदर जो भी पेजेस आए वो सर्विसेज के अंदर जाए। तो मैंने करना है जी ऐड। ओके, और मैं यहाँ से करता हूँ एक पेज, मैं इसे सिंपल सा नाम देता हूँ जी एस ई आर पी सर्विसेज। आई थिंक स्पेसिफिक नेम देते हैं जैसे आई सपोज लोगो डिजाइन। ओके, और मैं इसको लेके जाता हूँ जी सर्विसेज के अंदर। ओके, तो ये हमारे पास, आपने अगेन मैं दिखाता हूँ ऐसे इसे करना है जी क्लिक, पकड़ के रखना है आपने और यहाँ पे आपने आके छोड़ना है। ओके, एक और ऐड करते हैं जी, इसे कहते हैं जी अगेन, और इसे कहते हैं जी हम वेब डिजाइन। ओके, अब जितने पेजेस ऐड करूंगा वो सर्विसेज के अंदर जाएंगे। अगेन मैं एक और सब पेज ऐड करता हूँ और इसे मैं कहता हूँ जी लेट्स सपोज UI UX डिजाइन। ओके, तो एक मैं और ऐड करता हूँ और मैं इसे कहता हूँ जी SEO। ओके, तो जैसे जैसे मैं पेजेस ऐड करूंगा सर्विसेज के अंदर, वो पेजेस सर्विसेज की जो है हमारे पास मैंने उसके सब पेजेस काउंट होंगे। ओके, मैं इसे करता हूँ जी पब्लिश। जैसे ही मैं पब्लिश करूंगा और हम चलेंगे व्यू साइट के ऊपर, तो आप देखेंगे सर्विसेज, एक मुझे रिफ्रेश करना चाहिए। ओके, अब सर्विसेज पे आप जाएंगे तो ये आपको दिखा रहा है जी। अब सर्विसेज के जो सब पेजेस हमने बनाए हुए मेन्यू के अंदर, हमने इसके डिजाइन को चेंज करना है। ओके, अगेन चलेंगे हम अपनी मेन्यू पे और यहाँ पे क्लिक करेंगे डिजाइन पे, जा क्लिक करना है। जैसे ही डिजाइन पे आप जा क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन देगा कस्टमाइज की। कस्टमाइज को क्लिक करने के बाद ये आपके पास है सब मेन्यू कंटेनर। ओके, इसको आपने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। तो इसका लेआउट आपके पास है, इसको मैं कहता हूँ जी ये डिफरेंट ऑप्शन से है, ये जो स्क्रॉल से हो गया है। ओके, स्पेसिंग भी हो इनमें, स्पेसिंग लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी 10 हो। ओके, करते हैं हम इसे सेव और करेंगे हम पब्लिश। ओके, पब्लिश साइट और फिर करेंगे हम व्यू साइट। ओके, फिर अगेन मैं रिफ्रेश करता हूँ इसे और फिर मैं आता हूँ जी। ओके, कुछ भी चेंज हुआ? अगेन चलते हैं जी, अगेन अगेन। ओके, सब मेन्यू आइटम्स। ओके, ये आइटम्स हैं हमारे पास, इनका कलर चेंज करते हैं फॉर नाउ। ओके, टेक्स्ट कलर और इसको करते हैं जी ब्लैक, ओवर पे ब्लू की जगह हम करते हैं जी ग्रीन। ओके, एंड करंट पेज पे हम इसे करते हैं जी डार्क ग्रे। ओके, अब चलते हैं जी वापस। कलर तो हमारे पास चेंज हो गया, लेकिन हमने लेआउट की अपेयरेंस चेंज करनी है। अगेन क्लिक करेंगे डिजाइन, डिजाइन पे क्लिक करने के बाद ये आपको ऑप्शन देगा कस्टमाइज डिजाइन मेन्यू कंटेनर। ओके, अब इसे करते हैं सेटिंग्स पे जाके चेंज, नहीं अगेन चलते हैं हम लेआउट के ऊपर और ये सॉरी मेन्यू का हमने सिलेक्ट किया था, आपने करना है सब मेन्यू का सिलेक्ट। ओके, अब ये आपको डिफरेंट ऑप्शंस देगा। ओके, अब मैं ऐसे कहता हूँ नहीं जी लेआउट जो है वो हमारे पास वर्टिकल है, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास वर्टिकल आ रहा है। ओके, आप इसकी अलाइनमेंट लेफ्ट भी कर सकते हैं, सेंटर अलाइन भी कर सकते हैं, इनकी जो हॉरिजेंटल पैडिंग है उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, वर्टिकल पैडिंग को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। मैं ऐसे करता हूँ जी ये हमारे पास जो ये जो इस तरह जा रहा है ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल होता है, और ये जो इस तरह आता है ये हमारे पास होता है जी वर्टिकल। ओके, तो मैं अगेन जाता हूँ अगेन लेआउट सब मेन्यू,
और उसके ऊपर ये जो हमने लिखा हुआ है इसको करते हैं जी 20 by 20, ये इसकी इंक्रीज हो गई, और इसको मैं करता हूँ जी 15। ओके तो आई थिंक 10 ही ठीक थी, इसको हम 10 करते हैं, और इसको हम करते हैं अगेन पब्लिश। पब्लिश करने के बाद हम देखेंगे जी व्यू साइट, तो मैं करता हूँ अगेन रिफ्रेश। ओके तो ये अब हमारे पास जो सर्विसेज का पेज है सर्विस का, ये हमारे पास अब एक्स के होवर के ऊपर कलर भी चेंज हो रहा है। ओके और ये सर्विसेज के पेजेस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये पेजेस आपको शो भी हो रहे हैं। ओके अगर आप कहते हैं कि इसमें कंटेंट डाल लें तो वो भी डाल लेते हैं। ओके तो चलते हैं जी अगेन पेज के ऊपर लोगो डिज़ाइन। ओके और लोगो डिज़ाइन के ऊपर जाके करते हैं हम जी एड सेक्शन। इस सेक्शन को कहते हैं AI, AI के पास चलते हैं और इसे कहते हैं जी ये मेरी सर्विस का है और ये है जी लोगो डिज़ाइन सर्विस। ओके ये करेगा सेक्शन क्रिएट, एक सेक्शन में एक पेज पे लगा दूंगा और बाकी आपने खुद ट्राई करना है। आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को ट्राई कर सकते हैं और आप अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके तो ये जो है एक हमारे लिए AI सेक्शन क्रिएट कर रहा है। ओके इसको हम करते हैं ऐड यहाँ पे, और यहाँ पे करते हैं जी पब्लिश और व्यू साइड कर लेंगे। ओके रिफ्रेश कर लें और फिर चलते हैं जी सर्विसेज, और ये है जी लोगो डिज़ाइन। जैसे ही आप लोगो डिज़ाइन पे क्लिक किया ये टैग होगा, बाकी पेजेस में हमने नहीं डाला, तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए ज़रूर डालिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।